आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा, वुड यू लाइक ब्लैंक मिल्क, देयर आर ब्लैंक बॉक्स, इसी टाइप्स क्वेश्चन रहेंगे। हम लोग को सम और एनी का यूज करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस सम को यूज करना सीख लेते कि कब हम लोग को सम लगाना है ये फिक्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद देख लेंगे एनी को, क्लियर है। ठीक, तो मैं आप लोग को बता दूं इस सम का मतलब क्या होता है, कुछ है, हिंदी में कुछ होता है, और एनी का मतलब क्या होता है, कोई, क्लियर है। तो सबसे पहले इसको सम को हम लोग को कब कब यूज करना है सीखते चलो। अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस हो तब, एक कंडीशन क्या है पॉजिटिव सेंटेंस में, ठीक है, याद रहेगा आप लोग को, पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा तब, मतलब उसमें नॉट, नॉर, नो, ये सब वर्ड्स कभी उसमें नहीं रहेगा, तभी हम लोग सम का यूज कर सकते, पहली कंडीशन, ठीक है। ये तो पहला कंडीशन हुआ। दूसरा हम लोग को चीज एक याद रखना पड़ेगा अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ठीक, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अब ये क्या होता है भाई, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है ये समझ लो, है ना। अनकाउंटेबल किसको बोलेंगे, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, है ना, मींस जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। मतलब हम लोग जैसे पानी को गिन नहीं सकते, चावल को गिन नहीं सकते, राइस को नहीं गिन सकते ना, तो उस टाइम में हम लोग किसको यूज करेंगे, सम को यूज करेंगे, क्लियर है। और बात कर लेते थर्ड वन का, तो देखो थर्ड कंडीशन क्या है, मान के चलो किसी काउंटेबल में यूज होता है, काउंटेबल में भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन कब, जब वो क्या हो, प्लूरल हो, प्लूरल काउंटेबल में यूज करते हैं, ठीक है। इतनी बातों को आप लोग को याद रखना है सम को यूज करने के लिए, ठीक है। प्लूरल मतलब बहुवचन, बुक ना बोल करके वहां पर बुक्स हो, ठीक है, बुक्स हो, एप्पल्स हो, कार्स हो, पेंस हो, इस कंडीशन में हम लोग किसको यूज करेंगे, सम को यूज करेंगे, क्लियर है। क्यों, अब देख लेते हैं फॉर का यूज करने वाला, तब आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, है ना, फॉर का, सॉरी एनी का यूज, है ना, एनी का यूज करना। तो इसके रिस्पेक्ट में इसको भी देखते हैं, है ना। तो जब कोई नेगेटिव सेंटेंस हो, है ना, नेगेटिव सेंटेंस हो, उसमें अगर नॉट लगा है कहीं पर, नो लगा है कहीं पर, नॉर लगा है, इस टाइप का अगर नॉट वाला नेगेटिव सेंस वाला सेंटेंस रहा उसमें, तब हम लोग एनी का यूज करेंगे, क्लियर है। याद रखेंगे ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, और ये क्या होता है नेगेटिव सेंटेंस के लिए, क्योंकि दोनों एक साथ आता है, आप लोग तो देखे क्वेश्चंस में, है ना। तो इस चीज को समझो। अब ये तो अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, मतलब जिसको गिन नहीं सकते उसके लिए। अब फॉर जो है यूज होता है काउंटेबल के लिए, ठीक है, काउंटेबल के लिए, जिसको काउंट हम लोग कर सकते हैं उसके लिए यूज होता है, क्लियर है। बस इतनी चीज है, इतनी कंडीशंस को आप लोग को याद रखना है सम और एनी के क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। ग्रामर ऐसा है कि इसमें बहुत सी चीज होता है, बट आपके टेंथ के लिए, आपके दसवीं में, अभी बोर्ड एग्जाम में स्कोर करने के लिए जितना जरूरी है ना, उतना चीज मैं आपको बता दिया हूं। इतनी चीजों में आप लोग 100% करके आ सकते हो, अगर इसको अच्छे से समझ लिए हो तब। याद रखना पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, एक को काउंटेबल को, दूसरा नॉन काउंटेबल के लिए, एक इसको भी, मतलब जिसको, मतलब एक को अनकाउंटेबल में, जिसको काउंट नहीं कर सकते, इसको काउंट कर सकते, उसमें होता है, इसमें भी काउंट करने में वाला में होता है, लेकिन प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब देख लेते सभी क्वेश्चंस को, है ना। तो चलो इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, समझते हैं, और बोर्ड एग्जाम में इसी के हिसाब से करेंगे। आपको यदि और भी प्रैक्टिस करना है एक्स्ट्रा, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा मैं, अदरवाइज कहाँ से कर दूंगा, ग्रुप से, आप लोग यदि ग्रुप में ज्वाइन हो तो ग्रुप में मिल जाएगा, अगर नहीं ज्वाइन हो तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के तक, ताकि आप लोग का हेल्प होती रहे, है ना। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है, वुड यू लाइक, यहाँ पर आए तो हम लोग को सम यूज करना है या एनी यूज करना है। मैं दोनों की कंडीशन को बोर्ड पर लिख दिया हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। सम का यूज कब कब करते, पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब इसमें कहीं पर भी नॉट नहीं है, मतलब ये सम यूज हो सकता है, अनकाउंटेबल होना चाहिए, कोई एक कंडीशन भी फुलफिल होता है तो हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो देखो मिल्क क्या होती है, अनकाउंटेबल होती है, इस वजह से हम लोग किसको यूज करेंगे, यहाँ पर सम आएगा, करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। सेकेंड वन क्या, देयर आर, उसमें ब्लैंक बुक्स है, एस लगा हुआ, बहुत सारा बुक है ना,
तो लेकिन बुक को तो हम लोग काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है ना, बहुत सारा बुक है, इसलिए यहां पर भी क्या आएगा, सम ही आएगा। क्लियर? थर्ड में देखो नो लगा हुआ है, मतलब चुपचाप आप लोग क्या लगा देंगे, एनी लगा देंगे। क्लियर? नो नॉट रहेगा, मतलब एनी लगाएंगे। फोर्थ देखो क्या लिखा, सी वांट ब्लैंक पेपर टू राइट अ स्टोरी। पेपर है, इसके हिसाब से लगेगा हम लोग का, यहां पर पेपर है, पेपर क्या है, एक ही पेपर है ना, पेपर क्या है, पेपर को हम लोग काउंट कर सकते हैं कि नहीं, काउंट कर सकते हैं। और ये किस में है, ये सिंगुलर है, एक ही पेपर के बारे में बात हो रहा है, एस नहीं लगा हुआ, पेपर्स रहता वहां पर, समझो आप लोग, पेपर्स रहता तब हम लोग वहां पर सम यूज करते, मे बी इसके हिसाब से, पेपर्स रहता तब सम यूज करते। ध्यान दो, पेपर है इसलिए क्या यूज करेंगे, एनी यूज होगा। क्लियर है आप लोग का? ठीक। सिमिलरली लास्ट में देखो, इसमें नॉट लगा है, मतलब कोई दिमाग नहीं लगाया ना, यहां पर एनी लगा दो। ठीक है, ये होगा, इस तरीके से आप लोग को करना है। और भी यदि आपके पास क्वेश्चंस है, अगर उसको करके देखो, अगर उसमें डाउट होता है तो आप लोग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, कहीं पर भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आया कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताएंगे आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोगों की बारी है कि आप लोग भी मेरे लिए कुछ करो, वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, ताकि ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचेगा तो मुझे खुशी होगा कि एटलीस्ट इतने बच्चे इस वीडियो के माध्यम से पढ़ के गए थे एग्जाम में, करके आए हैं करके। ठीक है, तो अब हम लोग को इन क्वेश्चंस में, जिस क्वेश्चंस को आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं, इन क्वेश्चंस में हम लोग को क्या करना है, फिल करना है मच और मैनी। ठीक है, क्वेश्चंस आप लोग देख पा रहे हैं, आपके बुक से है पूरा का पूरा क्वेश्चन, पहले भी जो मैं 5 क्वेश्चंस कराया हूँ वो भी बुक का है, ये भी जो आप लोग 6 क्वेश्चंस देख रहे हैं ये भी बुक का है। तो अदर क्वेश्चंस बहुत जल्द आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि अपडेट मिले हर किसी चीज का, है ना। अब समझो, इसमें मच और मैनी का यूज करना है, तो हम लोग पहले इसका डाउट क्लियर कर लो कि मच कब करना है, मैनी का यूज कब करना है ना। MUCH मच, और ये होता है मैनी। तो आप लोग को बता दूं, जो मच का यूज करना है हम लोग को, तो आप लोग को मैं बता दूं कि जो मच का यूज किस में करते हैं, अनकाउंटेबल के लिए। अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम लोग नहीं गिन सकते, ठीक है, नहीं गिन सकते, उसमें हम लोग किसको यूज करेंगे, मच को यूज करेंगे। और बात है मेनी का, तो ये काउंटेबल के लिए, मतलब जिसको गिना जा सकता है ना, इतनी चीजें आप लोग याद रख लो, मच मेनी। ठीक है, बस हम लोग को सिर्फ दो बात याद रखना है, एक को हम लोग अनकाउंटेबल के यूज करेंगे, और सेकेंड वन को यूज करेंगे काउंटेबल के लिए। क्लियर है? चलो करके देखते हैं, आप लोग हो सके तो वीडियो यही रोक दो, क्वेश्चंस आप लोग के पास है सबको करके देख लो, फिर मैं जो बताऊंगा उसमें करेक्ट हो रहा है कि नहीं, आप लोग को तुरंत प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, चलो ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्या है, DDU BY। यहां पर इधर से हम लोग को कोई मतलब नहीं, इधर देखो स्टोरी बुक्स, ठीक है, बुक्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना भाई, कितनी भी बुक्स हो काउंट कर सकते हैं, तो यहां पर काउंट कर सकते हैं, मतलब क्या आएगा, मेनी आ जाएगा। क्लियर है? फिर बात है सेकेंड वन का, हाउ वाटर इज, वाटर के हिसाब से लगेगा हम लोग का। ठीक है, तो वाटर को तो हम लोग काउंट नहीं कर सकते, मतलब वहां पर क्या आएगा, मच। क्लियर? देखो कितनी आसान है, एक चीज मैं बता दिया आप लोग को, पूरा बनेगा भाई एग्जाम में, इसी सब चीजों को ध्यान में रखना है। थर्ड वन देखो, दे डू नॉट हैव हाउसेस, मतलब घर, घर को गिन सकते हैं, हाँ गिन सकते हैं, मतलब क्या आ जाएगा, मीनी। क्लियर? राज इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स बट नॉट ब्राट बुक्स, बुक्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं, हाँ, तो यहां पर क्या आएगा, मैनी। क्लियर? फिफ्थ वन देखते हैं, हाउ मनी, मनी को हम लोग नहीं काउंट कर सकते, रुपए दिया रहेगा, याद रखेंगे यहां पर अगर रुपए रहेगा ना, तब रुपए तो काउंट हो चुका है ना, तभी तो इतना रुपए करके बता रहे हैं, तो वहां पर इस कंडीशन में हम लोग रुपए रहेगा तब मनी यूज करेंगे, और अभी क्या यूज करेंगे, मच यूज करेंगे। क्लियर है? याद रखेंगे रुपए रहेगा तब मनी यूज कर लेना आप लोग। हाउ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते, इसलिए यहां पर क्या आएगा, मैनी।
क्लियर है, इस तरीके से आप लोग को करना है। आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो बाकी बच्चों तक भी पहुंचाना है आप लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है। चैनल पर भी बहुत कम बच्चे जुड़े हुए हैं, तो बाकी जितने हो सके बाकी बच्चे को, इन रिमेनिंग 15 दिनों का क्लास है, 15 दिनों में जितने बच्चे तक आप लोग पहुंचा सकते हो जरूर पहुंचाओ, ताकि वे भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा कर पाए, अच्छे से अपना प्रेजेंट कर पाए, अच्छे से आप खुद को प्रूफ कर पाए, अच्छे से परसेंट स्कोर कर पाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, कमेंट करके जरूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा, आपको समझ आया कि नहीं करके, ठीक।